हमारे भारत देश में अभी भी 70% आबादी गांव में अपना जीवन यापन करती है, क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान या किसानों का देश रहा है। सारे देश का भोजन गांव की खेतीबाड़ी से ही प्राप्त होता है। गांव को अक्सर शहर की मेन पिछड़ा इलाका माना जाता है। यह बात सच है कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे सुविधाओं की कमी रहती है, लेकिन अभी हालात बदल रहे हैं। गांव में शहर की तरह रुपयों के पीछे भाग दौड़ नहीं रहती। गांवों में हर मामलों में शांति रहती है। यहाँ के रास्ते शहर की तरह जाम नहीं रहते। गांव के लोग अपना ज्यादातर समय खेतीबाड़ी के कार्यों में लगाते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत का काम होता है। इससे लोगों स्वास्थ्य मोटापा रहित होता है। कुल मिलाकर लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। गांव में लोगों को साफ पानी पीने को मिलता है। साफ पानी के साथ शुद्ध पर्यावरण भी यहां रहता है। यहां की आबोहवा शत प्रतिशत शुद्ध होती है। गांव के लोग अपनेपन से और हर्षोल्लास के साथ हर त्योहार को मनाते हैं, जिससे वहां लोगों की आपस में प्यार की भावनाएं बनी रहती हैं। गांव के लोग अपने खेतों से प्राप्त अच्छी और ताजी सब्जियां और अनाज उगाकर खाते हैं। शहर के लोगों को भी सब्जियां गांव की तरफ से ही जाती है, लेकिन वो भी सभी को नसीब नहीं होती। ज्यादातर बड़े शहरी क्षेत्रों में गंदे पानी से उपजी सब्जियां बेची जाती हैं। गांवों में समस्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन गांव के लोग किसी की समस्या में मिलजुल कर मदद कर देते हैं। गांव के लोग सीधे साधे शहर के लोगों की तुलना में थोड़े से अनपढ़ होते हैं, लेकिन मतलबी नहीं होते। गांवों में ज्यादातर लोग भाईचारे से रहते हैं। मौसम के रंग में खेती की उम्मीद, धूप और बारिश की मुसीबतों में खड़ा है किसान। समय के साथ चलकर खिलती है फसलें, खेती की मेहनत का फल, जगाती खुशियों की बारिश। गांव में चारों ओर वृक्ष की हरियाली नजर आती है। गांव में एक विशाल तालाब देखने को मिलता है। गांव में आधा प्रतिशत जमीन खेतों से ढका रहता है, जहां अन्य का खजाना उगता है। गांव के नदी का तो कोई जवाब नहीं। जहां की पानी की पवित्रता वहां के लोगों को लंबी आयु प्रदान करती है। गांव अधिकतर शहरी सभ्यता की हलचल से दूर स्थित हैं। प्रकृति की सुंदरता का अनुभव एक गांव में किया जा सकता है, क्योंकि यह पेड़ों, फूलों और खेत Oh, 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 oh